deep and we're both losing control. Hey everyone, namaste and welcome back to the channel My Home Hacks, My Shelf Versa. और दोस्तों आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं गई थी अपने भाई की शादी में अपने घर और रियल भाई की, तो टाइम लग जाता है मम्मी की हेल्प करना, घर के सारे काम संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी तो टाइम काफ़ी इसी बीच कोई भी वीडियो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। और मैंने पूरी डिटेल वीडियो अपने भाई की शादी की आपके साथ शेयर की है, बहुत कम लोगों ने देखी है, बट देख लीजिए कि मैंने सारे फंक्शन कैसे अटेंड किए हैं, कैसे क्या किया है। जब घर को इतने दिनों तक छोड़ के जाते हैं तो घर टोटली अनऑर्गेनाइज हो जाता है और हमें नए सिरे से घर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है क्योंकि वो हस्बैंड के भरोसे रहता है तो अपने अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। अभी मैं फ़िलहाल आके अनपैकिंग कर रही हूँ, तो अनपैकिंग में मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान दिया था कि जो भी मेरा सामान था जो यूज़ नहीं किया या फिर अच्छे से रखा था, तो मैंने किट में या किसी भी एक अलग बैग में अच्छे से पैक करके रखा था, और जो भी गंदे कपड़े थे, अनऑर्गेनाइज चीज़ें थी, वो एक बैग में रख दी थी। तो मुझे आके ज़्यादा टाइम नहीं लगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, क्लीन करने में, और मैंने अच्छे से अनपैकिंग कर ली थी। तो जो भी साड़ियाँ वगैरह थी वो मैंने एक बैग में रख दी हैं, जो भी गंदे कपड़े थे वो मैंने अलग से हटा दिए हैं और उनको वॉश करने के लिए साथ ही के साथ डाल दूँगी, ताकि जितने भी और एक्स्ट्रा काम हैं उनके साथ होते रहें। एक साइड कपड़े धुलते रहते हैं, एक साइड चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। सो मैंने यहाँ पर एक दो दिन नहीं लिए इस काम में, एक ही दिन लिया है। 3 से 4 घंटे मुझे लग गए थे पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में, चीज़ों को संभाल के रखने में, अपनी जगह रखने में, और एक ही दिन जाता है इन सब चीज़ों में। अगर आप 2-3 दिन के लिए इसको रख देते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती हैं और टाइम भी बहुत सारा लगता है, और डेली की हेडेक भी हो जाती है कि चीज़ें अब फैली डली हैं, हमें ऑर्गेनाइज़ करनी है। क्योंकि 3 से 4 बैग मेरे पास हो गए थे तो टाइम भी काफ़ी लगा, तो छोटे बैग मैंने सारी साड़ियाँ जो रख दी हैं जो मुझे अभी यूज़ नहीं करनी है, और बैग का भी अभी यूज़ नहीं होगा, तो मैंने सारी सभी हैवी साड़ीज़ उसमें रख दी हैं, और जो भी और बैग थे उनको खाली करके और उस पर बॉल्स डाल के रख दी हैं ताकि उसमें स्मेल वगैरह ना आए, क्योंकि अब जब कभी भी कहीं जाएंगे तभी ये बैग्स यूज़ होंगे, तो इसको हम बेड बॉक्स के अंदर रख सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें से एक्स्ट्रा स्पेस ना लगे, और जो कपड़े निकले थे उनको हम वॉश करने के लिए डाल देंगे। और मुझे आज 2 से 3 लोड लगाने पड़े कपड़ों के, तो मैंने नहा धोकर भी जो कपड़े निकले थे हमारे वो भी हमने इसी के साथ डाल दिए थे, ताकि फिर और कपड़े एक्स्ट्रा ना बचें घर में, क्योंकि अगर कपड़ों का बंडल घर में लगा रहता है तो बहुत ज़्यादा वो भी जगह घेरता है और सिर में दर्द बनाई रहता है कि अब कपड़े भी धुल लें। तो मैंने 2 से 3 लोड एक ही दिन में लगा दिए थे ताकि दूसरे दिन के लिए ये काम भी ना रहे, और सारे एक साथ कपड़े हो जाते हैं तो उनको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह रखने में भी आसानी होती है। और ज्वेलरी और मेकअप के बैग्स मैं अलग से लेके जाती हूँ ताकि कपड़ों के साथ वो सारी चीज़ें ना रहें और हमें टाइम से मिल जाएं। और शादी के टाइम पे ये ज्वेलरी मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में, तो मैं अलग से 2 बैग रखती हूँ इन सब के लिए। और बहुत सारी नई नई ज्वेलरी भी इस बार ट्राई किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे लगे, क्योंकि पहले मैं कहीं जाती नहीं थी ऐसा बाहर, जब पंजाब रहती थी तो शादी वगैरह बहुत कम अटेंड करने को मिलती थी तो ऐसा कुछ मैं लेती नहीं थी, बट इस बार मैंने काफ़ी सारा सामान नया नया परचेज़ करा है, बहुत सारी ज्वेलरी भी ली है आर्टिफिशियल जो होती है, वैसे तो गोल्ड का ही यूज़ करते हैं शादी वगैरह में, बट फिर भी ले ली थी। ये देखो बिछी है, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर अब मुझे मिल जाती हैं अपने मन की। तो इन सब चीज़ों को हमने पैक कर दिया था उन्हीं के डिब्बों में जिसमें वो आए थे, एंड अब आगे चल के देखूँगी किसी और चीज़ में ऐसे पैक करूँगी जो स्पेस थोड़ा सा कम लेगा, क्योंकि डिब्बे थोड़ा स्पेस लेते हैं, बट कोई ना एक बास्केट में हम ना इस तरह से रख देते हैं। जितने भी इयर रिंग्स थे उसके लिए सेपरेट जो डिब्बा है उसको मैंने उसी में सारे इयर रिंग्स वगैरह अरेंज करके रख देते हैं। चूड़ी वगैरह रखने के लिए इस तरह के बैंगल बॉक्स का यूज़ करती हूँ, इससे ले जाने में आसानी होती है और टूटती फूटती भी नहीं है चूड़ियाँ। तो प्लास्टिक के डिब्बों में आप चूड़ियों को आराम से ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं और घर पर भी आराम से इस तरह के बॉक्सेस में रख सकते हैं।
और बेटियों को ना सचमुच देख देख के उनको भी सारी चीज़ों का शौक अपने आप लगने लगता है। और ये मेरी जितनी भी चीज़ें वो देख रही थी वो सारी यूज़ कर करके देख रही थी, क्योंकि उसे भी शादी में जाना है, ये वो मुझे भी सुंदर बनना है, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। और दित्या की जितनी भी रबड़ बैंड क्लिप्स होती हैं मैं इस तरह की एक किट में रख देती हूँ, और जितनी भी क्लिप्स होती हैं एक साथ एक कागज़ में लगा के रख देती हूँ, जिससे वो अनऑर्गनाइज भी नहीं होती हैं और टाइम से मिल भी जाती हैं। ये सारी बॉब क्लिप्स कितनी सुंदर लग रही थी, मैं मेले से रिसेंटली ही लाई हूँ, इनको यूज़ नहीं किया है अभी, तो इन सब चीज़ों को मैं एक किट में इस तरह से रख दूँगी, जब भी कहीं जाना है या यूज़ करनी है तो सारी हैवी क्लिप्स ना एक किट में मुझे मिल जाएंगी और इसमें आसानी से चीज़ें आ भी जाती हैं। और ये जो कलरफुल रबर्स होती हैं, छोटे छोटे रबड़ बैंड्स होते हैं ना दित्या के, वो मैं इस तरह के एक डिब्बे में रख देती हूँ जो रबड़ बैंड्स का ही है, और इसमें आसानी से सारी छोटी वाली जो रबड़ हैं वो मिल जाती हैं। तो एक ही जगह पर छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने से स्पेस तो बचता ही बचता है, सब साथ में जो टाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। इस तरह की चेस्ट ऑफ ड्रॉर में सारा मेकअप आइटम हम ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे पास ड्रेसिंग एरिया नहीं है और इसमें सारी चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं। बट अभी ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, बस चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दिया है, जब भी टाइम मिलेगा इस ड्रॉर को मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तो वो अनऑर्गेनाइज भी हो गई है। दिवाली टाइम किया था ऑर्गेनाइज, उसके बाद नहीं किया जब घर शिफ्ट किया था। और जितने भी मेरे मेकअप पाउचेस हैं इस तरह के बैग में मैं रख देती हूँ, एक के अंदर एक, जब भी आप मुझे चाहिए होंगे बस इन्हीं दोनों बैग को उठाना है और सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और ये जो ज्वेलरी के बैग है ना, इनको हम यूज़ कर लेते हैं मेकअप ऑर्गेनाइज करने में ही, जब हम कहीं ट्रैवलिंग पर जाते हैं। और इन सब के बीच हम अपने हेयर केयर के ध्यान देना भी भूल गए थे, टाइम ही नहीं मिलता है बाहर कहीं जाने से, तो अभी थोड़ा सा ऑयलिंग करेंगे अपने हेयर में और दित्या के हेयर में। तो यहाँ पर हमने ना जो सरसों का तेल है उसको गर्म कर लिया है हल्का सा, और इसी से सर की मसाज करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो सरसों का तेल होता है ना, इससे बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है बालों की और बाल काले भी होते हैं। तो और एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करने की बजाय हम घर का सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, रेगुलरली हमेशा से ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा होता है। और दित्या को भी हम यही वाला ऑयल यूज़ करते हैं, इसके बहुत कम बाल थे, बहुत कम मतलब बाल नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इसके बाल आएंगे कि ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, पर धीरे धीरे करके यही ऑयल से बहुत सारे बाल आ गए हैं और धीरे धीरे करके और भी अब जैसे ही बड़ी होती जाएगी तो आते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ एक कप चाय एंजॉय करेंगे एंड आराम करेंगे, क्योंकि अब बहुत थकान हो गई है। दोस्तों, आई होप कि आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।